अच्छा दोस्तों, मैंने अपने मिनी जू के लिए यार बहुत प्यारी चीज़ ऑर्डर की थी, तो अभी मेरे भाई की कॉल आई है कि यार वो ऑर्डर हमारा जो था ना वो मिनी जू के बाहर पहुंच चुका है, वो कह रहे हैं फटाफट से आके अपना ऑर्डर रिसीव करो, मैं वहीं पे जा रहा हूँ मिनी जू। तो फाइनली दोस्तों मैंने अपना पार्सल रिसीव कर लिया, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। देख ले दोस्तों, अब इसकी शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग, फटाफट से देख रहे हैं जी हमारे पार्सल में से क्या निकलता है, और हमने अपने मिनी जू के लिए यार क्या मंगवाया दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट पार्सल है, इसको बाहर निकालते हैं। चलो भाई चलो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर से होंगे, खुश आमदीद कहते हैं आपके किसी व्लॉग में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है यार, अभी गर्मी ना काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो यार मेरी ना सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो बर्ड्स लवर हैं, जो पेट्स रखे हैं घर पे, तो उनसे सबसे रिक्वेस्ट है यार जो बर्ड्स का ना एनिमल्स का यार इस गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो उसमें अपने बर्ड्स घर का ख्याल रखा करें यार, पानी का उनका इंतज़ाम करें, ठंडा पानी लाजमी उनके पास, और दिन में ना 3 से 4 मरतबा उनका पानी लाजमी चेंज किया करें, क्योंकि यार अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, इस गर्मी की शिद्दत की वजह से ना काफ़ी बर्ड वगैरह भी मर रहे हैं यार, तो इसलिए सब भाइयों से रिक्वेस्ट है अपने एनिमल्स और बर्ड्स का ख्याल रखें, क्योंकि आपके पास है और आपने उनका ख्याल रखना। ये देखें दोस्तों गर्मी की वजह से यार किस तरह बेचारे बेहाल में पड़े हैं, ये देखें ये भी नीचे वाले पैरट्स भी, और ये हमारी डॉग्स वगैरह भी, छोटी चिड़िया भी, तो सब बेचारे गर्मी की वजह से परेशान है। अच्छा दोस्तों, मैंने ना अभी यार एक डॉक्टर के साथ मशवरा किया, तो वो कह रहे हैं कि आप अपने बर्ड वगैरह को ना यार ग्लूकोज लेकर ना पानी के अंदर मिक्स करके वो आप दे दिया कर, उससे ज़रा बर्ड ना खुशी महसूस करेंगे और फ्रेश हो जाएंगे पानी के उसकी गर्मी की वजह से ना, तो अभी मैं जा रहा हूँ पास जी के स्टोर से, वहाँ से ग्लूकोज लेकर आ रहा हूँ अपने बर्ड्स के लिए। अभी दोस्तों मैं जा ही रहा था अपने बर्ड्स वगैरह के लिए ग्लूकोज लेने के लिए, तो मुझे ना एक रिवर नज़र आया यार जिसमें जानवर भी हैं और ये दुम्बे वगैरह भी हैं, तो इनसे पूछते हैं यार ये गर्मी में ना अपने बर्ड्स वगैरह को, सॉरी बर्ड्स तो नहीं एनिमल्स वगैरह को क्या देते हैं पानी में डालकर जिससे गर्मी से बचत रहती है इनकी, तो भाई से भी मिलते हैं, इनसे ज़रा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? यार आप इतनी गर्मी में अपने जानवर वगैरह डेवर के लेकर फिर रहे हो यार, तो उनकी गर्मी से बचत के लिए क्या खिलाते हो आप उनको, क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनके लिए आप? हर सब्जी खिलाते हैं, बचत हो जाती है। अच्छा हरी सब्जी वगैरह खिलाते हैं जिनसे ये जानवर गर्मी बर्दाश्त करने की शक्त बढ़ जाती है, गर्मी में बचत के लिए आप सब्जी वगैरह इस्तेमाल कराते हैं? तो भाई गर्म गर्मी से बचाने के लिए इनको ना हरी सब्जी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जो मौसमी सब्जी होती हैं वो खाने से जाना जानवर वगैरह खुश रहते हैं, तो देखें ना आप कितनी गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं अभी इतनी धूप के अंदर यार, दोपहर के टाइम कैसे भी अपने चारे की तलाश में यहाँ पर घूम रहे हैं, देखे जानवर खड़े। ये देखे दोस्तों सारा रेवट अब खाना छाना खा के वापस जा रहे हैं। तो अभी दोस्तों ग्लूकोज का डिब्बा यार परचेज़ कर लिया, अब जाते हैं अपने बर्ड्स के पास, वहाँ पर बोतल में ना पानी के अंदर मिक्स करके अपने बर्ड्स को देते हैं, ताकि यार फटाफट से वो फ्रेश हो जाए यार, गर्मी से बचते हैं। तो अभी दोस्तों मैंने ना इस बोतल के अंदर ग्लूकोज मिक्स कर लिया और अपने बर्ड्स को डालते हैं फटाफट से यार, बिस्मिल्लाह, इससे ना यार सारे बर्ड्स वगैरह हमारे जो है ना हैप्पी हो जाएंगे और फ्रेश हो जाएंगे, और उनको अब गर्मी भी कम लगेगी। ये देखिए दोस्तों, इनको मैंने जो है ना ग्लूकोज वाला पानी डाल दिया है, अब वो कितनी खुश होकर पी रही है माशाल्लाह से पानी। अच्छा दोस्तों, मैंने अपने मिनी जू के लिए यार बहुत ही प्यारी चीज़ ऑर्डर की हुई थी, तो अभी मेरे भाई की कॉल आई है कि यार वो ऑर्डर हमारा जो था ना वो मिनी जू के बाहर पहुंच चुका है, वो कह रहे हैं फटाफट से आके अपना ऑर्डर रिसीव करो, मैं वहीं पे जा रहा हूँ मिनी जू में। तो फाइनली दोस्तों मैंने अपना पार्सल रिसीव कर लिया, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है फटाफट से। ले दोस्तों अब इसकी शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग, फटाफट से देखते हैं जी हमारे पार्सल में से क्या निकलता है, और हमने अपने मिनी जू के लिए यार क्या मंगवाया दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट पार्सल है हमारे मिनी जू का, और देखते हैं सरप्राइज है यार इसमें से क्या निकल रहा है, अब इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसको बाहर निकालते हैं। चलो भाई चलो भाई चलो, माशाल्लाह वाह। तो अभी दोस्तों आप लोग हैरान होंगे यार ये क्या चीज़ मंगवा ली हमने अपने मिनी जू के लिए, तो ये दोस्तों हमने जो है ना अपने इंक्यूबेटर के लिए हमने ये ट्रे मंगवाई है, इसमें हमने रखने हैं ऑस्ट्री वगैरह कैक रखने हैं, तो इंक्यूबेटर हमारा तैयार हो रहा है, अभी हमने ट्रे मंगवा ली उसमें एडजस्ट करनी है, उसके बाद इसके लिए मंगवाएंगे ऑस्ट्री कैक एग, तो इसमें रखेंगे ऑस्ट्री कैक अपने बेबी निकलवाएंगे ऑस्ट्री के यार, फिर हम लोग तो ये दोस्तों हमारे काम आएगी इंक्यूबेटर में रखने के। ये दो ट्रे मंगाई है दोस्तों हमने, ये देखे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 6 अंडे इसमें आएंगे दोस्तों, 6 अंडे इसमें आएंगे, और इस सब में हम रखेंगे अपने ऑस्ट्रिच गैग, इंक्यूबेटर हमने ऑर्डर किया हुआ दोस्तों, वो भी रेडी हो रहा है, और जब रेडी होकर आ जाएगा उसमें ये एडजस्ट करके ट्रे उसके बाद हम उसके अंदर रखेंगे ऑस्ट्रिच गैग, वो भी मंगवाएंगे इंशाल्लाह से। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, तो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच रहे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।